नमस्कार छात्रों, आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल पर। आज हम देखेंगे कक्षा 9वीं और 11वीं के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारा प्रश्न है रक्त और लसिका में अंतर लिखिए। तो आपको रक्त और लसिका में अंतर बताने हैं। उससे पहले आप क्या करेंगे, एक हेडिंग डालेंगे जिसमें आपको लिखना है रक्त और लसिका में अंतर निम्न अनुसार है। तो आपको दो कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम में आपको लिखना है रक्त और सेकंड कॉलम में आपको लिखना है लसिका। तो रक्त में आपको एक नंबर डालकर लिखना है, एक नंबर डाल के आपको लिखना है रक्त का रंग लाल होता है। और लसिका में आपको एक नंबर डालकर लिखना है, लसिका का रंग श्वेत होता है, लसिका का रंग श्वेत होता है। रक्त में आपको दो नंबर डालकर लिखना है, रक्त में लाल रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं, रक्त में लाल रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं। और लसिका में आपको दो नंबर डालकर लिखना है, लसिका में लाल रक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती, लसिका में लाल रक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। रक्त में आपको तीन नंबर डालकर लिखना है, रक्त द्वारा ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है, रक्त द्वारा ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। लसिका में आपको तीन नंबर डालकर लिखना है, लसिका के द्वारा ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन नहीं होता है, लसिका के द्वारा ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन नहीं होता है। रक्त में आपको चार नंबर डालकर लिखना है, रक्त में विलेय प्लाज्मा प्रोटीन अधिक होता है, न्यूट्रोफिल्स की संख्या अधिक होती है। और लसिका में आपको चार नंबर डालकर लिखना है, लसिका प्रोटीन अधिक होता है, लसिका में प्रोटीन होता है लिम्फोसाइट्स की संख्या अधिक होती है। रक्त में आपको पांच नंबर डालकर लिखना है, रक्त में ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, रक्त में ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। लसिका में आपको पांच नंबर डालकर लिखना है, लसिका में उत्सर्जित पदार्थ की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है, लसिका में उत्सर्जित पदार्थ की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। चलिए, तो हमारा रक्त और लसिका में अंतर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए बच्चों, तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को करें अपने दोस्तों को भी शेयर, ताकि उन्हें भी रक्त और लसिका के बारे में अंतर पता चल सके। थैंक यू।